ओए होए 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 होए, मजा सा आ गया भाई साहब अपनी लैम्बोर्गिनी चला के स्टेरिंग व्हील से। तो यार जो लोग मुझे पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि मैंने अपने इस वाले स्टेयरिंग व्हील की अनबॉक्सिंग करी थी लगभग लगभग पिछले साल ही। तो उसमें मैंने कहा था आपको कि मैं 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको इसका प्रॉपर रिव्यू दूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो लगभग लगभग 1 साल हो चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ इस स्टेयरिंग व्हील के साथ। ये मैंने लगभग लगभग खरीदा था 6-7 हज़ार के आसपास का। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आप प्रॉपर अनबॉक्सिंग वगैरह देखना चाहते हो वो आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा। बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, ये स्टेयरिंग व्हील आता है जैसे कि आप देख सकते हो, बटन वटन लगे हुए सारे, कनेक्टिंग वायर्स आती है और इसके अलावा नीचे पैडल्स आते हैं, पैडल्स मतलब एक्सेलरेशन का और ब्रेक मारने का। तो ये 2-3 चीज़ें ही है बस। एक माउंट भी आता है लेकिन वो मैंने रख रखा है, उसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं क्योंकि इसी के नीचे सक्शन कप लगे हुए हैं तो ये टेबल पर चिपक जाता है इसलिए ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करता, आपने वीडियो देखनी है तो वो आई कार्ड में लिंक दे रखा है। फटाफट से मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर खेलते हैं GTA 5। तो लो जी मैं आ गया हूँ गेम में, और जो लोग मेरे दूसरे चैनल को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा इस गोल्ड लैम्बोर्गिनी के पीछे क्या स्टोरी है। तो अगर आप नहीं करते तो मेरा चैनल चेकआउट करो AJ गेमिंग के नाम से। तो आज मैं इसी गाड़ी को चलाने वाला हूँ अपने स्टेयरिंग व्हील से, और इसमें ना एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि मैं ये देखो हल्का सा मैं अगर ये दबा दूँ ना, ये देखो पॉज हो जाता है। तो मैं हल्का सा क्या प्रेशर भी लगा दूँ ना, ये पॉज हो जाती है गेम। तो ये मुझे अच्छी बात नहीं लगती है इसकी। और एक और चीज़ मुझे इस स्टेयरिंग व्हील की पसंद नहीं है, वो है इसकी सेंसिटिविटी। तो मैं समझाता हूँ क्या मतलब है। अब यार देखो आप इतने कम पैसों में कुछ चीज़ ले रहे हो तो सब चीज़ें तो परफेक्ट मिलेगी नहीं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पिछले लगभग लगभग 1 साल होने वाला है इस स्टेयरिंग व्हील को लिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये देखो पहले मैं रोक के बताता हूँ आपको। ये देखो इसके आगे के टायर देखो, मैं यहाँ हल्का सा घुमा रहा हूँ लेकिन वहाँ पे कम घूम रहे हैं, फिर मैं ज़्यादा घुमाता हूँ वो ज़्यादा घूम रहे हैं। ये देखो उधर कर रहा हूँ, ज़्यादा करना पड़ रहा है मुझे स्टेयरिंग व्हील में, तब जाके हैंडल जो है वो उधर हो रहा है। तो इसमें ना ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी ज़्यादा। ये देखो अब मतलब मुझे कट मारना हो तो मैं हल्का सा इतना ही करूँगा ना भाई, लेकिन इतने में होता ही नहीं है, ये मेरे को इतना करना पड़ता है देखो, और फिर वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और नीचे जो पैडल्स है वो तो काफ़ी सही है, रिस्पॉन्सिव है काफ़ी अच्छे ज़्यादा, मतलब मैं एकदम से रेस देता हूँ रेस होती है। ये देखो ब्रेक मार रहा हूँ ब्रेक लग रही है, रेस दे रहा हूँ रेस दे रही है, ब्रेक मार रहा हूँ ब्रेक हो रही है, रेस मार रहा हूँ। ये देखो पर ये चीज़ देखो, ये मेरे से ये चीज़ ऐसे हैंडल नहीं हो पा रही है। अब पता नहीं है मेरे को खेलना नहीं आ रहा है या फिर क्या दिक्कत है, लेकिन पिछले 1 साल में मैंने इसमें 10-15 बार तो खेला होगा और अभी भी मेरा हाथ बैठ नहीं पाया, पता नहीं क्यों। मतलब सेंसिटिविटी यार मुझे तो पसंद नहीं आ रही है। अब आप देख लो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मतलब मैं हल्के से चाहता हूँ कि मैं यूं करूँ तो वो उधर हो जाए गाड़ी, लेकिन ये नहीं हो पाती है। हाँ अगर मैं शार्प टर्न लेता हूँ जैसे मेरे को ज़्यादा पूरा हैंडल घुमा के तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। ये देखो मतलब मैं इधर घुमा रहा हूँ तो वो हो रही है, ज़्यादा ही घुमा दिया कुछ, अरे हट जाओ। बाकी इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सही है। और एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इस तरह से हाथ लगा के कुछ स्टीयरिंग व्हील संभालोगे तो ज़्यादा अच्छी कंट्रोल होएगी, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब मुझे नहीं पता आप कर पाओगे कि नहीं। इससे क्या होता है आपके हाथ ना लॉक हो जाते हैं तो ज़्यादा स्टेयरिंग ना तो लेफ़्ट हो पाता है ना राइट हो पाता है, तो मतलब ये कंट्रोल में रहता है आपके। ये देखो अभी ये ट्रैफिक इतना हो रखा है ना, एक तो मेरे से कंट्रोल नहीं हो पाती है, ये रुक गई ना। मुझे आदत है हल्के से इसमें रिस्पॉन्स देखने की, लेकिन उतना रिस्पॉन्स मिलता नहीं और फिर मैं ठुक जा रहा हूँ बार बार। लेकिन अगर इस एंगल से थोड़ा सा खेलोगे ना तो फ़र्क पड़ता है काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से। तो बाकी ऐसे नॉर्मल खेलना चाहो ऐसे भी खेल ही सकते हो। अब ये मेरे ख्याल से आदत आदत की बात है, अगर आप ज़्यादा खेलोगे तो आदत आपको पड़ जाएगी इसकी सेंसिटिविटी की। ये देखो ज़्यादा कट मारने हो ना तो आराम से लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो छोटे टर्न होते हैं ना वो नहीं लग पाते आराम से। एक हाथ से देखो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तो आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। इसके अलावा जो ये सारे बटन लगे हुए हैं ये भी काम के है बटन। ये देखो मैं रोक के दिखाता हूँ, जैसे ट्रायंगल है इससे उतर जाएगा हमारा बंदा, ट्रायंगल से बैठ जाएगा वापसी। और अगर आप नीचे पैडल्स यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ये बटन दबा सकते हो R2 वाला, इससे आपकी गाड़ी आगे चलने लग जाएगी। ये देखो स्टार्ट हो गई। और अगर बैक करनी है या ब्रेक लगानी है तो L2 दबा सकते हो आप, ये वाला गेट गाड़ी है पीछे इस तरह से। और इसी बटन के पीछे भी 2 बटन है, एक से आप बैक साइड में देख सकते हो L2 जो है हमारा, L2 कह रहा हूँ सॉरी R1 जो है हमारा, और इससे आप हॉर्न मार सकते हो यानी कि L1 से। तो ये देखो ठोके ही जा रहा हूँ भाई साहब, मैं ठोके ही जा रहा हूँ, संभल ही नहीं लिया मेरे से गाड़ी। ये देखो
ऐसा करते एयरपोर्ट चलते हैं, वहाँ थोड़ा सा खाली होगा। तो लो भैया हम एयरपोर्ट आ गए, अब यहाँ पे आपको चला के दिखाता हूँ, थोड़ा सा रिस्क नहीं है रुकने का क्योंकि खुले खुले रनवे है यहाँ पे। हाँ तो बटन्स में थे ना हम, ये वाले बटन है और ये आपके वही कंट्रोलर पे जो बटन्स होते हैं वो है सारे के सारे, और ये भी आपके वही कंट्रोलर वाले बटन है, और ये दो लगे हुए हैं, इससे आप फायरिंग कर सकते हो। ये देखो इससे एम है और इस वाले राइट वाले से बटन से फायरिंग है, तो काफ़ी अच्छा है ये चीज़। इसके अलावा पीछे यहाँ पर गेयर भी लगा हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था, तो इससे गेयर शिफ्टिंग हो जाती है जो रेसिंग गेम्स होती है। GTA में नहीं होंगे क्योंकि इसमें गेयर शिफ्ट नहीं कर सकते आप। और अब मैं आपको भगा के दिखाता हूँ और कट्स मार के दिखाता हूँ, ये देखो कट ये रहा। ये देखो तो ठीक है यार, मतलब ये 6-6.5 हज़ार के आसपास का स्टेयरिंग व्हील है, उसी हिसाब से परफॉर्मेंस ओके ओके है ना, मतलब मैं ज़्यादा अच्छी कह सकता हूँ ना मैं इसे बेकार कह सकता हूँ। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसलिए मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है 1 साल का, और आपके सामने भी है यार, वीडियो चल रही है खुद देख सकते हो आप। ये देखो कट में थोड़ा बहुत हो रहा है, अब हो सकता है ये मेरी लैम्बोर्गिनी है ज़्यादा इसलिए कंट्रोलिंग में दिक्कत हो रही है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वैसे हल्का फुल्का तो सेंसिटिविटी का इशू लगता है मेरे को, कन्फर्म है ये बात। तो ये देखो एक हाथ से मैं कितना सही कर पा रहा हूँ, ओहो ओहो ओहो। और अब आपको दिखाता हूँ मैं इसकी बर्न आउट, ये देखो क्या बात है, ये है ओए होए 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 होए, मज़ा सा आ गया भाई साहब अपनी लैम्बोर्गिनी चला के स्टेयरिंग व्हील से, तो क्या बात है। चल भाई सीधा हो ले, अब एरोप्लेन आ रहा है क्या पीछे, एरोप्लेन से टक्कर लेते हैं, चलो नहीं है नहीं है मेरे को लगा, और बारिश भी आने वाली है ऐसा लग रहा है। तो चलो इतना ही रखते हैं, आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत, बाकी आप खुद ही खेलोगे यार तभी ही अच्छे से पता लगा पाओगे, हर किसी का खेलने का स्टाइल अलग अलग होता है, क्योंकि बाकी मैंने जितना बताना था आपको बता दिया है। ये एक लास्ट, चलो कट मारते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं सीधा। शेट यार, इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा लग रहा है इसका सेंसिटिविटी का जो मैंने पूरा सीन बताया। बाकी मेरे हिसाब से यार इतने कम प्राइस में आपको एक स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है तो ठीक ठाक सही है, अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप ऑब्वियसली जाओ फिर लॉजिटेक के साथ, 19-20 हज़ार के आसपास का है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फीका। Bye.